हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशु विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलाई कैसे सीखें। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2 से 3 साल के बच्चे की गर्मियों की ड्रेस। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है, वाइट कलर का है, आप किसी भी कलर की बना सकते हो। और इसमें से हम जैकेट बनाएंगे, कट स्लीव और निकर बनाएंगे इसके नीचे। तो हम सबसे पहले हम जैकेट बनाएंगे। ये हमने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा हमारा। इसकी जो लेंथ है इसकी 18 इंच, आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ऊपर से आ जाएगा और बाकी नीचे मोड़ने में आ जाएगा। और जो इसके शोल्डर है वे 5, और हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, मार्जिन के लिए 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। और क्योंकि ये गर्मी की ड्रेस है तो इसके लिए हम थोड़ा लूज ही लेंगे, तो 5.5 हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, 5.5 का इस तरीके से, और हल्की सी गोलाई देंगे। जो इसकी ऊपर से जो चेस्ट है इसकी 24 इंच, तो हम 24 यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे। 24 का जो चौथा पार्ट होता है 6। नीचे से हम यहाँ से हम लेंगे 6.25, तो इस तरीके से निशान हमारे थोड़ा हल्का सा यहाँ पे हल्की सी गहराई देते हैं, बस बिल्कुल बहुत ही कम हल्की सी देनी है। और इस तरीके से इस तरह ये कंप्लीट लाइन हमारी हो गई है। और मार्जिन के लिए हम 1 1 इंच लेंगे, इस तरीके से 1 1 इंच मार्जिन के लिए होगा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है और इसकी कटिंग भी कर ली है। अब हम इसमें नीचे की साइड से हल्की सी गोलाई देंगे, लगभग 1 इंच। इस तरीके से हम गोलाई में इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरीके से। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। जो हमारा पीछे वाला गला होगा वो हम लेंगे 1.5 इंच, और जो गले की चौड़ाई होगी वो होगी 2.25। तो इस तरीके से हम हल्की सी गोलाई देंगे इसमें भी। ये हमने हल्की सी गोलाई दी और इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आगे वाले गले की कटिंग हो जाएगी 3.5, और इसकी जो चौड़ाई होगी वह 2.25 होगी। इस तरीके से हल्की सी गोलाई करते हुए क्योंकि थोड़ा सा हमारा जब पट्टी लगाएंगे इसमें उसमें भी सिलाई के लिए आएगा। और इसको हम क्योंकि आगे से हमें ओपन रखनी है जिससे बच्चे को पहनने में आसानी हो, तो हम इसको आगे से ओपन करेंगे इस तरीके से। हमने इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से, ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट इसकी। अब हम इसकी नेकर की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े की जो ये लंबाई है ये 10 इंच की है, और जो चौड़ाई है 4 फोल्ड कर रखा है इस तरीके से, आप देख सकते हो। और जो चौड़ाई है कपड़े की वो 8.5 है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर से इस तरीके से ये ऊपर से मुड़ जाएगा, इसमें इलास्टिक आ जाएगी, और ये लगभग हमने मोड़ा है 1/4 इंच, क्योंकि इलास्टिक इसमें हमें बारीक वाली डालनी है, ये बच्चों की है तो इसमें बारीक वाले इलास्टिक डालेंगे हम। और जो इसकी लेंथ है वो 7.5 तैयार होगी। बाकी जो 1.5 इंच है वो नीचे से हमें, क्योंकि हमें चौड़ा मोड़ना है नीचे से, तो नीचे से बुराई में आ जाएगा। तो इसलिए हम अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऊपर से हमने 7 ले लिया है,
और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमने साथ ले लिया है। और जो इसके आसन के लिए हम वो लेंगे हम 8.5, वो 7.5, 7.5 पे एक निशान लगाया हमने। और जो इसके नीचे की गोलाई होगी वो हमने ली है 7.5, 7.5, इस तरीके से हल्के से गोलाई देंगे यहाँ से। और इसको इस तरीके से यहाँ से इसको मिला देंगे, इस तरीके से हम इसकी गोलाई इस तरीके से कर देंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे, इसको इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसकी इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमें हमारे दो पार्ट हैं। इस वाले पार्ट पे हमें इस तरीके से पट्टी लगानी है, पट्टी हमने काट ली है इस तरीके से यहाँ पे। तो इसको इधर की साइड से उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस जो ये पट्टी है हमारी, इसको इस तरीके से हाथों से हल्के से प्रेस से करते हुए इसको इधर की साइड ऐसे इस तरीके से ऐसे पलट लेंगे। और इस पे भी इस तरीके से हम इतनी फोल्ड करके इस तरीके से ऐसे 1 या 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। ये ज़्यादा चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे इस पे और एक इधर की साइड सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, एक इधर की साइड सिलाई लगाई हमने और एक इधर की साइड। तो इस वाली पट्टी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये वाली काज वाली पट्टी है, इस पे काज होएंगे और ये वाली बटन वाली पट्टी है। तो ये हमने ये पट्टी है हमें और इसको इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सीलना। ये हमने सीधी साइड रखी है और इसको किनारे फिर से सीलते हुए इस तरीके से। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से इसको हल्की सी बार दिखानी है, इतनी 1/2 इंच से भी थोड़ी सी कम। और हमें इस पे भी सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। आप चाहो इसकी साइड में एक सिलाई और लगा सकते हो। तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे दोनों तैयार हो गए इस तरीके से। इस तरीके से हमारी ये पट्टी आ जाएगी इस तरीके से, ये गला हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हमें ये पीछे वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से ये उल्टी साइड रखेंगे हम और इधर की साइड से भी उल्टी साइड और इस पे सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई लगा लिया है, एक ऊपर की साइड लगाई हमने इस तरीके से, ऐसे लगानी है ये। तो हमारी ये सिलाई भी हो गई कंप्लीट। अब हम इसका इस तरीके से देख लेंगे, इसको गला हमारा बिल्कुल सही है, हमें नहीं काटना है। और इस तरीके से तो अब हम इस पे रेप पट्टी काट के इसकी पट्टी लगाएंगे जैसे गले पे लगाते हैं, और आर्म होल पे भी इसी तरीके से लगाएंगे रेप पट्टी काट के। तो हमने रेप पट्टी काट ली है और ये रेप पट्टी हम यहाँ पे उल्टी तरफ रख कर, ये उल्टी साइड है यहाँ पे। तो इस पट्टी को हम इस तरीके से
डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इसको डबल करके इसको, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सा। सिलाई में कमी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, और इस तरीके से हम पूरे गले पर ये पट्टियाँ लगाएंगे इस तरीके। ज़्यादा खींचनी नहीं है ये पट्टी, और ना ही ज़्यादा लूज रखनी है। तो इस तरीके से हम पूरे गले पे लगा देंगे, पट्टी लगा ली है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा साइड में छोड़ते हुए, पूरा मिला के नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा साइड में छोड़ते हुए ये जो कपड़ा है इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो कपड़ा इसको काट लिया है। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ लेंगे, ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो हमने सिलाई कम्प्लीट कर ली है। हमारी जो गले की पट्टी थी वो लग चुकी है। इसी तरीके से हमें आर्म होल की पट्टी ठीक इसी तरीके से लगानी जैसे हमने इसमें लगाई है। फ्रेंड्स, हमने ये जो सिलाई है हमारी ये कम्प्लीट कर ली है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ही हमने कम्प्लीट की है। और अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से उल्टी तरफ कर लेके ऐसे पलट लेंगे इसको, और दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा फिटिंग कर लेंगे इसकी। और फिटिंग के बाद में फिर हम इसको नीचे से मोड़ लेंगे। तो हमने ये जैकेट जो है कंप्लीट कर ली है। देखो इस तरीके से दिखेगी, जो कि बच्चों के बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर कोशिश करना इसको बनाने की, बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसकी निक्कर सीलते हैं। तो ये हमारी निक्कर है और इसको हमें सीलना है। सबसे पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ये वाली सिलाई लगाएंगे। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी आप लगा सकते। तो ये हमने सिलाई लगा ली है इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, हमने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। इससे थोड़ा कम भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमें इलास्टिक इसमें ये वाली डालनी है, बारीक वाली इलास्टिक डालनी है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल होती है। हमेशा बच्चों के नक्कर में ये या पायजामे में इस तरह की इलास्टिक डालनी चाहिए। तो हमारा ये लगभग आधा इंच, एक इंच से थोड़ा कम है, हमने ये थोड़ा इंच कम ले लिया एक इंच से। तो हमें इसका पूरा इसके ऊपर से फोल्ड कर लेंगे इसको। तो हमने इसमें इलास्टिक डाल ली है, अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे और फिर से बीच में से हम ये सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो गर्मी की ड्रेस है ये हमने तैयार कर ली है। ये बहुत ही आरामदायक रहेगी बच्चे के लिए। आप भी इसकी बनाने की कोशिश करना, आप भी ज़रूर बनाना इसको। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।